डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इस मॉड्यूल में हम एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन को स्टडी कर रहे हैं जिनका टॉपिक है स्प्लिट प्लॉट डिजाइन। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन की जरूरत क्यों पेश है। व्हाई स्प्लिट प्लॉट? देर आर सम सिचुएशंस व्हेन द एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग टू आर मोर फैक्टर्स रिक्वायर डिफरेंट साइज ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इट इज यूज व्हेन सम फैक्टर्स आर हार्डर आर मोर एक्सपेंसिव टू वेरी देन अदर। तो स्प्लिट प्लॉट की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब कुछ फैक्टर्स जो हैं उनको वेरी करना काफी मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू अदर फैक्टर्स, या उस वक्त पेश आती है जब कुछ फैक्टर्स को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं देन अदर फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे अप्लाई होंगे और जो लेस इंपॉर्टेंट है वो किसी और किस्म के एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे अप्लाई किए जा सकते हैं। अब हम प्रॉपरली डिफाइन करते हैं स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को। अ डिजाइन विच कुड हैव सम फैक्टर्स टू बी अप्लाइड एट लार्ज यूनिट्स विच आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, द अदर फैक्टर्स कैन बी अप्लाइड एट स्मॉल यूनिट्स। अ स्प्लिट प्लॉट एक्सपेरिमेंट इज अ ब्लॉक्ड डिजाइन इन विच ब्लॉक्स सर्व एज एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो ये एक ब्लॉक्ड डिजाइन है जिसमें ब्लॉक्स बजाते खुद एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं। हम कुछ ट्रीटमेंट्स को लार्ज यूनिट्स पे अप्लाई करते हैं और कुछ को स्मॉल यूनिट्स पे अप्लाई करते हैं, और स्मॉल यूनिट्स भी लार्ज यूनिट्स के पार्ट्स होते हैं। आफ्टर ब्लॉकिंग द लेवल्स ऑफ अदर फैक्टर आर रैंडमली अप्लाइड टू लार्ज यूनिट्स विद इन ब्लॉक्स ऑफन कॉल्ड होल प्लॉट्स आर मेन प्लॉट्स। जो लार्ज यूनिट्स हैं उनको होल प्लॉट्स या मेन प्लॉट्स कहा जा सकता है। द लार्ज यूनिट्स आर देन डिवाइडेड into small units which may be called subplots or split plots. Consider the example of a factorial problem. 3 different irrigation levels, 4 different corn varieties, response is biomass, available resources 6 plots of land. To ye ek factorial problem hai jisme 3 different irrigation levels hai hamare paas और हम 4 डिफरेंट कॉर्न वैरायटीज को कल्टीवेट करना चाह रहे हैं, और जो रिस्पांस है दैट इज बायोमास, और हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो 6 फील्ड प्लॉट्स हैं जिनके ऊपर हम वैरायटीज को सो कर सकते हैं। वी कैन नॉट वेरी द इरिगेशन लेवल ऑन ए टू स्मॉल स्केल। हम ये जानते हैं कि इरिगेशन लेवल को छोटे छोटे प्लॉट्स में वेरी करना पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए कुछ बड़ा प्लॉट चाहिए। तो बड़े प्लॉट्स पे तो हम वेरी कर सकते हैं इरिगेशन लेवल को, अगर छोटी छोटी क्यारियों की शक्ल में हम वेरी करना चाहें तो दैट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट। वी आर फोर्स्ड टू यूज लार्ज एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स फॉर द इरिगेशन लेवल फैक्टर। देन रैंडमली असाइन ईच इरिगेशन लेवल टू 2 ऑफ द प्लॉट्स द सो कॉल्ड होल प्लॉट्स और मेन प्लॉट्स। 6 प्लॉट्स में से हम 2 प्लॉट्स में एक इरिगेशन लेवल, 2 में दूसरा इरिगेशन लेवल और 2 में तीसरा इरिगेशन लेवल यूज कर रहे हैं, तो प्लॉट्स आर कॉल्ड मेन प्लॉट्स आर होल प्लॉट्स। इन एवरी ऑफ द प्लॉट्स रैंडमली असाइन द 4 डिफरेंट कॉर्न वैराइटीज टू द सो कॉल्ड स्प्लिट प्लॉट। हर प्लॉट के हम 4 हिस्से करेंगे, 4 सब प्लॉट्स बनाएंगे और उनमें चारों वैराइटीज को सो करेंगे। तो हर एक ब्लॉक में 4 वैराइटीज अवेलेबल हैं और ब्लॉक वाइज इरीगेशन लेवल को असाइन कर रहे हैं। तो इस तरह हमने देखा कि स्प्लिट प्लॉट डिजाइन को किस सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है और इसका रियल लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है।